हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। आप कैसे हैं? आप सब, मैं हूँ संगीता और मैं अपने नए YouTube चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। और ये मेरा पहला ब्लॉग है, तो मैं सोचती हूँ किसी अच्छे जगह से स्टार्ट करना चाहिए। तो आज मैं आपके ग्राम देवी शीतला मंदिर आपको मिलने जाना चाह रही, तो चलिए देखते हैं, चलते हैं। फ्रेंड्स, मैं घर से निकल चुकी हूँ, अब मैं मंदिर की तरफ जा रही हूँ धीरे धीरे। चलते चलते मुझे रास्ते में फूल का पेड़ मिल गया है, तो मैं थोड़ा सा फूल ले लेती हूँ माता जी में चढ़ाने के लिए। फूल थोड़े ऊंचाई में है, तो मुझे उस तरफ जाके तोड़ना पड़ेगा फूल को। सफ़ेद कलर का फूल मुझे बहुत पसंद है। आप लोग को कैसा लगता है ये फूल, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। लगभग लगभग मैं मंदिर के पास पहुंच चुकी हूं। मंदिर का रास्ता कॉलोनियों के बीच से होकर जाता है, आप ये रास्ता देख सकते हैं। आगे से चलकर मुझे दाएं की ओर मुड़ना है, तब मंदिर आ जाएगा। ये मुझे कनेर के फूल का पौधा मिल गया है, अब मैं इसे भी तोड़ लेती हूँ। पीले कलर का यह फूल बहुत ही सुंदर है। अब मेरा फूल तोड़ना हो गया है, अब मैं आपको फूल भी दिखा देती हूँ कि कितने सुंदर हैं। ये देखिए, यही फूल मैंने तोड़े हैं और ये कितने सुंदर हैं। ये हम पहुँच चुके हैं शीतला मंदिर। ये देखिए, मैं आपको जहाँ लेकर आने वाली थी शीतला मंदिर वहाँ का, वो और ये देखिए यहाँ पर कितना बड़ा वट वृक्ष है। तो चलिए चलते हैं, आइए अब मैं आपको मंदिर की तरफ लेके चलती हूँ। और शीतला माता आरोग्य की देवी होती हैं, तो ये मुख्य द्वार है, ये मंदिर का मुख्य द्वार है। तो चलिए चलते हैं अंदर। ये देखिए, यहाँ पर माता जी का बहुत सुंदर चित्र बना है। अब मैं यहाँ पर फूल चढ़ा देती हूँ और प्रणाम कर लेती हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर प्रणाम करने के बाद मैं आपको आगे उस तरफ लेकर चलती हूँ। ये देखिए, यहाँ पर ये मंदिर का परिसर है जो पूरी तरीके से खुला हुआ है, बाउंड्री वॉल नहीं है यहाँ पर। और यहाँ पूजा कर रहे हैं कुछ लेडीज़ लोग, आप देख सकते हैं। यहाँ पर मंदिर के बाजू में तालाब है, मैं आपको पूरा घुमा करके दिखाती हूँ। मंदिर में प्रवेश करने के पहले हम तालाब में हाथ पैर धोते हैं और शुद्ध होकर के हम मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं। इस तालाब की खास बात है कि ये तालाब कभी नहीं सूखता है। और देखिए, यहाँ सीढ़ी तक पानी आ गया है। अब मैं पैर अच्छे से धो लेती हूँ, इसके बाद मैं मंदिर में प्रवेश करूँगी। और ये देखिए तालाब का कितना सुंदर नज़ारा है। कुछ कुछ लोग यहाँ पूजा करने के पहले तालाब में अच्छे से नहा लेते हैं, उसके बाद पूजा के लिए जाते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर गणेश जी की पूजा कर लेती हूँ। और यहाँ पर मैं दीपक दिखा देती हूँ और फूल भी चढ़ा देती हूँ। किसी भी कार्य को स्टार्ट करने के पहले सबसे पहले गणेश जी की पूजा की जाती है। घर से मैं रुई, बत्ती और तेल लेकर आई हूँ, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर दीपक दिखा देती हूँ और मैं ये डाल देती हूँ यहाँ पर और दीपक दिखा देती हूँ। यहाँ पर राधा कृष्ण जी की मूर्ति है और ये बंद है, यहाँ पर ताला लगा हुआ है, इसलिए मैं बाहर से प्रणाम कर लेती हूँ। और ये है यहाँ का मुख्य मंदिर, शीतला माता जी का मंदिर है, और मैं इसको प्रणाम कर लेती हूँ।
आइए मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पर भैरव बाबा जी विराजमान हैं और मैं उनको भी प्रणाम कर लेती हूँ। चलिए मैं आगे चलती हूँ, यहाँ पर बहुत सारे शिवलिंग हैं और ये बहुत बड़ा वट वृक्ष है और कहते हैं कि यहाँ पर ये बहुत पुरानी वट वृक्ष है, लेकिन मैं नहीं जानती ये कितनी पुरानी है। तो यहाँ पर मैं शिवलिंग का दर्शन कर लिया मैंने और वट वृक्ष को भी मैंने प्रणाम कर लिया है। कहते हैं कि इसमें तीनों देवताओं का वास होता है, ब्रह्मा विष्णु महेश का। और देखिए कितना बड़ा वृक्ष है, इसकी जटाएं भी कितनी बड़ी बड़ी हैं देखिए। और ये पूरे मंदिर तक, पूरे मंदिर को ढका हुआ है ये वट वृक्ष। यहाँ पर कल वट सावित्री का पूजा था तो यहाँ पर स्त्रियाँ धागा बांधी हुई हैं अपने पतिदेव के लंबे उम्र के लिए। और ये है हमारी बमलेश्वरी माता जी, आइए मैं आपको दिखाती हूँ, मैं भी दर्शन कर लेती हूँ और आप भी कर लीजिए। ये देखिए, यहाँ कितना सुंदर भजन चल रहा है और हवन भी हुआ है, कितना पवित्र माहौल है। ये आप देख सकते हैं, ये तुलसी चौराहा है। आज किसी कारण से यहाँ पर मंदिर जल्दी ही बंद हो गया है, ये देखिए ताला लगा हुआ है, पर अगली बार मैं आपको ज़रूर दर्शन करवाऊँगी। और यहाँ पर कुछ स्त्रियाँ यहाँ पर पूजा कर रही हैं देखिए, और ये वट वृक्ष को देखिए आप, इतनी ऊंची है और इनकी जटाएं भी बहुत हैं। आइए अब दर्शन कर लेते हैं भोले बाबा का। शिवरात्रि में यहाँ पर काफ़ी भीड़ रहती है। अब आगे बढ़ते हैं। ये दक्षिण मुखी हनुमान जी हैं, तो आइए यहाँ पर मैं पर्दा हटा देती हूँ तो आप भी दर्शन कर लीजिए। यहाँ पर श्री राम जी की मूर्ति है और यहाँ पर हनुमान जी की मूर्ति है और श्री राम जी के साथ लक्ष्मण जी हैं और सीता मैया हैं। और ये हनुमान जी हैं हमारे, दर्शन कर लीजिए आप लोग। अब मैंने सारी जगह दर्शन कर लिए हैं, अब मैं आपको माता जी का ये चित्र दिखाती हूँ, इतना सुंदर बना हुआ है। अब मैं मंदिर से बाहर निकल रही हूँ जहाँ से मैं आई थी। ये देखिए, ये मंदिर का मुख्य द्वार है, यहाँ पर दो शेर बने हैं और ये माता जी के द्वारपाल हैं। यही मंदिर का एंट्रेंस है, यहीं से अंदर आते हैं और बाहर निकलते हैं। ये मंदिर के बाहर एक छोटा सा मंदिर बना है, यहाँ पर दक्षिणमुखी हनुमान जी की मूर्ति है और साइड में पीपल का वृक्ष है। ये देखिए, ये है मंदिर और ये है पीपल वृक्ष। अब मैं यहाँ भी दर्शन कर ली, अब मैं उस तरफ जाती हूँ। अब आपको दूर से दिखाई दे रहा होगा कि ये मंदिर का एंट्रेंस है। आप देखिए यहाँ पर काली माता का कितना सुंदर चित्र बना हुआ है। ये माता के मंदिर के पिछले भाग का दीवार है। मैंने आपको सारे मंदिर का दर्शन कराया, आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। हमको आने में लेट हो गया, मंदिर तो बंद हो गया, पता नहीं आज कैसे जल्दी बंद हो गया, लेकिन मैंने मैया जी का दर्शन कर लिया बाहर से और दर्शन पूरा हुआ। और कभी जल्दी आएंगे, मंदिर खुला रहेगा तो आपको मैं शीतला माता का दर्शन ज़रूर करवाऊँगी। तो चलिए चलते हैं हम घर। तो आपको कैसा लगा माँ शीतला मंदिर? तो
अच्छा लगा होगा तो बताइएगा। उम्मीद है आपको मैंने शीतला मंदिर जो घुमाया वो आपको अच्छा लगा होगा। इस चैनल में मैं आपको अपना डेली रूटीन और हम लोग कहीं ट्रैवल करने जाते हैं तो जो वहाँ हम स्पेशल देखते हैं वो सब मैं आपको आगे बताऊंगी। अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और कमेंट्स करना ना भूलें। अब मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।